राजस्थान में कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा दाव, होगा बीजेपी को बड़ा फायदा। जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पढ़ रही थी तो हर किसी को इंतजार था कि पेट्रोल डीजल के दामों में वैट कम होने का ऐलान होगा, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिरते देर नहीं लगी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों से पहले डीजल पेट्रोल में वैट घटाने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले बीजेपी कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में अब बीजेपी 25 सीटों पर फिर से दावा कर रही है, जिसके मद्देनजर माना जा रहा है कि बीजेपी अपना बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाल सकती है और वो ब्रह्मास्त्र डीजल पेट्रोल पर वेट कटौती का हो सकता है। बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों को उम्मीद थी कि पहले बजट में ही सरकार महंगाई से बड़ी राहत दे सकती है, क्योंकि बीजेपी पहले बार बार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल में वैट नहीं घटाया, जिससे लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। बीजेपी सरकार बनने पर वैट घटाने का वादा भी किया, लेकिन 8 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लिखा अनुदान पेश किया, तब उन्होंने डीजल पेट्रोल पर वैट कटौती का कोई जिक्र नहीं किया। अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में तय माना जा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों महंगाई से राहत देने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। विश्लेषण हुआ, लेकिन केंद्र की मंजूरी भी नहीं मिली। भजनलाल सरकार अपने पहले ही अंतरिम बजट में डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाने के मूड में थी। राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के समान वैट करने की तैयारी में थी। संबंधित पहलुओं पर विश्लेषण भी किया, लेकिन केंद्र की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार ने वैट कटौती का ऐलान भी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ये बड़ा दाव अपना सकती है। ऐसे में यदि बीजेपी ये बड़ा दाव खेलती है तो देखना होगा ये दाव कितना सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।